मेहता का उल्टा चश्मा। ये अंगूठी बबीता जी आपके लिए। थैंक यू सो मच। कमल बाबी आपके लिए। ये अय्यर भाई एक और। और अभी ये अंगूठी मेरे लिए ना? अरे नहीं, इस पे तो लिखा है जीवन साथी साथ योग। ये मेरे लिए। तो मेरी वो विवाह योग अंगूठी कहाँ है? हाँ वो इसमें नहीं है पोपटलाल, क्या कि मैंने इसका ऑर्डर दिया ना तब तक वो अंगूठी का स्टॉक आया नहीं था। देखो ना, अंगूठी में भी इसके लिए विवाह योग नहीं है। लोग विवाह करते वक्त अंगूठी पहनते हैं, इसको अंगूठी पहन के विवाह करना। ये है समस्या निवारण योग अंगूठी। मतलब इससे क्या है कि जो भी जर्नल छोटी मोटी समस्या है ना वो सब दूर होती है। वाह, ये पोपटलाल तुम्हारे लिए। अरे भाई मेरी समस्या जनरल नहीं है, स्पेशल है। ए भाई पता है, लेकिन क्या उस समस्या के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई समस्या है ही नहीं? नहीं। अरे क्या नहीं? अभी ये विवाह योग अंगूठी का स्टॉक नहीं है वो भी तुम्हारे लिए एक समस्या ही है ना। क्या पता ये अंगूठी पहनने से वो अंगूठी का स्टॉक आ जाए। अच्छा, सभी को अंगूठियाँ मिल गई ना? शाबाश, अभी देखना ये अंगूठियाँ पहनते ही आप सबकी समस्या दूर होने लगेगी और आपको फायदा ही फायदा होगा। जेठा भाई मुहूर्त बीच है, उससे पहले सब लोग अंगूठी पहन लेते हैं। जरूर ये एक मिनट, एक जरूरी सूचना बतानी रह गई है। देखिए ये अंगूठी पहनने के बाद आप सबको सिर्फ और सिर्फ हकारात्मक सोचना है। आपको यही सोचना है कि अब से मेरा भलाई होगा, भला के अलावा कुछ नहीं होगा। जीवन में हमेशा ही सकारात्मक सोचना चाहिए जेठालाल। पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल, हकारात्मक सोचने से देखना इस अंगूठे का चमत्कार आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एक मिनट। लेकिन जेठालाल कौन सी उंगलियों में कौन सी अंगूठी पहननी है तो बताया नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी अंगूठी आप कोई भी उंगली में पहन सकते हैं। अच्छा, रेडी साहब? रेडी। तो एक साथ अंगूठी पहनेंगे, अंगूठी पहनो। चलो, सबने अंगूठियां पहन ली है तो अभी आंख बंद करके अपनी अपनी जो भी समस्या आपको दूर करनी है उसके बारे में सोचना है और फिर उसके बाद अंगूठी को चूमना है। ओके, ठीक है, रेडी स्टार्ट कीजिए। हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है तो अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या ना आए ऐसा करना। पर नहीं, ये तो नकारात्मक हो गया, नकारात्मक सोचना है। हाँ, हे चमत्कारी अंगूठी, अब मैंने तुम्हें धारण कर लिया है तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अब मेरी जिंदगी में कोई समस्या आएगी ही नहीं। अरे सुंदर, अरे ये तो मैंने जैसा सपने में देखा था हूबहू वैसा ही हो रहा है। गाड़ी भी सेम है, सुंदर का कपड़े भी सेम है, बस 11 लाख सेम ना हो तो अच्छा है। 11 लाख की जगह 21 लाख मिल जाए तो मजा आ जाए। पहला गुबा पूछिए। नेता साहब, अंगूठी का चमत्कार शुरू हो गया है। कैसे? अभी देखना सुंदर मेरी माफी मांगेगा और मुझे कभी ना परेशान करने की बात करेगा। क्या बात कर रहे हो? और आज तक उसने मुझसे जितने भी पैसे लिए ना सब वापस करेगा, देखना। नहीं यार। अरे देखो तो सही है। कैम चो पल्टे मजम्मा, आज कुछ प्रोग्राम है गोकुलधाम में? अरे रंगा रंग कार्यक्रम चल रहा है भाई। रंगा रंग ने रिंगा रिंग। पता पता कैसे आना हुआ? मैं आपकी समस्या दूर करने के लिए आया हूँ माय डियर जीजा जी। समस्या दूर करने? वैसे मुझे पता है तू मुझे क्या बोलने वाला है, बताऊं? आप बताइए। तू अभी मुझसे ये बोलेगा कि जीजा जी कल बहना गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी,
बहना तो माँ के साथ रामेश्वर की यात्रा पर गई है, तो वो तो परसों लौटेगी। अच्छा मतलब वहाँ से डायरेक्ट गोकुलधाम सोसाइटी आएगी। अरे वाह, क्या बहना ने आपको बताया? नहीं। तो आपको कैसे पता? है मेरे पास कुछ चमत्कारी शक्ति जिसकी वजह से मुझे सब पता चल जाता है। चल अभी जो तू कहने आया है सबके सामने खुल के कह दे। माय डियर जीजाजी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जा माफ किया। थैंक यू। आगे बोल। और मैं आप सभी से भी माफी चाहता हूँ। अरे तू सबको छोड़, तू जो बोलने आया हो बोल। मेहता साहब, आपको महाप्रसिद्धि योग चाहिए ना? हाँ, सुंदर भाई, आपको कैसे पता? जयदलाल, तुमने बताया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया इसको। भिड़े भाई, आपको महाप्रसिद्धि योग, बिजनेस प्रोग्रेस योग और बाल अकाल से घने बाल योग चाहिए, उसके लिए अंगूठी पहनी है ना? मुगु भाई, तुम्हें कैसे पता सुंदरलाल? हाँ, अंगूठी देख के। लेकिन ये अंगूठियों का योग कैसे पता आपको? सुंदर भाई को हर बात पता होती है। अय्यर भाई को जॉब प्रमोशन योग, सोनी भाई को बिजनेस प्रगति योग और हाथी भाई को फिट एंड फाइन योग। और जीजा जी, आपको जीवन साथी साथ योग, सुख शांति योग, पड़ोस से मधुर व्यवहार योग और स्टाफ कंट्रोल योग, विदेश यात्रा योग, मीठे बोल योग और सबसे बड़ा योग वशीकरण योग। चिट्ठा, सुंदर को ये सब कैसे पता भाई? भाई पता नहीं है सुंदर, तूने भी कोई अंगूठी मंगाई है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, डियर जीजा जी, मैंने कभी कोई अंगूठी का ऑर्डर नहीं दिया। फिर सुंदर भाई, आपको कैसे पता चला? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम सुंदर? बताता हूँ। सबसे पहले आप वो जो बॉक्स पड़ा है ना, उसे उठाइए, उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो पढ़िए, सब पता चल जाएगा। अरे वो हनुमान जी, पूरा द्रोणागिरी पर्वत नहीं उठाना है, उसके अंदर संजीवनी बूटी, मतलब कि वो जो अंगूठी का छोटा बॉक्स है वो उठाना है, उसके नीचे पढ़ना है कंपनी का नाम। इस पे लिखा हुआ है DJJ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। और कंपनी कहाँ की है? अहमदाबाद। एक मिनट, ये कहीं DJJ डियर जीजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तो नहीं है? ओ सुंदर ब्रा, अहमदाबाद में कौन से जीजाजी हैं भाई? थोड़ी समझे नहीं? जेठालाल। डियर जीजाजी मतलब जेठालाल। सुंदर लाल ने जेठालाल के नाम से कंपनी खोली अहमदाबाद में। मतलब सुंदर, ये चमत्कारी अंगूठी तू बेचता है? हाँ जी जाजी। सुंदर, इस कंपनी के मालिक तुम हो तो भाई तुम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताओ कि ये सब चक्कर क्या है? मैं इन सब में नहीं मानता हूं, ये अंधविश्वास है, लेकिन तुम बताओ क्या ये अंगूठी सचमुच समस्या दूर करती है? पता नहीं। अरे पता नहीं क्या? क्या पता नहीं? बोल सीधा सीधा, ये अंगूठी के बहाने तू लोगों को लूटता है, उनकी भावना के साथ खेलता है। अरे उसे क्या बोल रहा है, गलती तेरी है। तू जैसे अंधविश्वासी लोग मौका देंगे तो ऐसा होगा ही ना? माय डियर जीजाजी, मैं किसी को लूटता नहीं हूँ। आज के जमाने में हर एक की कोई ना कोई समस्या होती है, तो मैंने अलग अलग रंग की अंगूठियां बना दी और हर एक रंग को एक समस्या का नाम दे दिया, और जिसका जो ऑर्डर था उसकी समस्या के हिसाब से उनको ऑर्डर भेज दिया, बस।
ये है कलरफुल चूना। सुना? देख सुंदर, ये गलत है। हाँ बापूजी, गलत तो है, पर मैं जिन जिन इंसान को अंगूठी भेजता हूँ वो दुखी इंसान अंगूठी पहन के खुश हो जाता है, उसकी नकारात्मक भावना सकारात्मक हो जाती है और संयोग को होकर चमत्कार 100 में से 30-40 लोगों की समस्या दूर भी हो जाती है। और वो 30-40 लोग अगर अंगूठी ना पहनते तो भी समस्या दूर होने वाली थी। जैसे कोइंसिडेंटली पोपड़लाल को रिश्ता आया और वो रिश्ता होने से पहले टूट गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंगूठी झूठी है। क्या जीजा जी, सुंदर भाई ने आपके नाम पे कंपनी खोली और आपने अपनी कंपनी में ऑर्डर कर दिया और खुद की कंपनी में ऑर्डर करके खुद ही बेवकूफ बन गए। अगर अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर भाई की क्या इज्जत रहेगी। चल चल ए, इज्जत वाले चल, चुप रह। चीटर हो। अच्छा तू जो कह रहा था कि 30-40% लोगों की समस्या दूर हो जाती है, तो बाकी के जो 50-60% जो लोग हैं जिनकी समस्या दूर नहीं होती है उनके साथ तो ये चीटिंग ही है ना भाई। अरे माय डियर जीजा जी, हमारी वेबसाइट पे क्लियर लिखा है कि अगर आपकी समस्या हल नहीं हुई तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरलाल, जिनकी समस्या दूर हुई है वो उनकी सकारात्मक सोच की वजह से दूर हुई है ना, तो उनसे तो तुम पैसे लेते ही हो। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, उन लोगों को नकारात्मक से सकारात्मक करने की अपनी फीस लेता हूँ मैं। फीस भर का फीस, उनकी समस्या दूर होने का इनाम लेता हूँ मैं। आप पिक्चर देखने का, घूमने का पैसा देते हो कि नहीं है? और माय डियर जीजा जी, आज के जमाने में इंसान को हर समस्या का समाधान फ्री में मिलता है, पर इंसान है कि उसको हर समस्या का समाधान पैसे देके ही चाहिए, तो मैं क्या करूं? अरे मैं तो कहता हूँ सकारात्मक विचार रखो, कुछ भी पहनने की, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सुंदरलाल की बात 16 आने नहीं 32 आने सच है। हम सबकी समस्या का कारण हमारी सोच ही है, और ये जो सकारात्मक सोच होती है ना, हर समस्या का समाधान देती है। ये अंगूठियां नहीं। वाह क्या बात है मेहता साहब, देखो मेरी सोच सकारात्मक है, मुझे कोई समस्या ही नहीं और मुझे कोई अंगूठी पहनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो लोगों को अंगूठी देकर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाता हूँ। देख भाई सुंदर, तू कुछ भी बोल, लेकिन जो कुछ भी तू कर रहा है ना वो सही नहीं। गलत गलत गलत। ठीक है बापूजी, आपकी सलाह मेरे लिए पत्थर की लकीर, अब कुछ सोचना नहीं है, आज से यह धंधा बंद। अब तो मानते हो ना जेठालाल की ये सब अंधविश्वास ही है। सॉरी मेहता साहब, आप सही है, मैं गलत हूँ। फिर मैं सुंदर, मैं इस अंधविश्वास पर हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये अंगूठी का आइडिया मिला कहाँ से? बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं लिली परिक्रमा करने के लिए गिरनार गया था। गिरनार में बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए थे, वहाँ पे मैंने देखा कि एक इंसान खड़ा था और सब लोगों को छोटे छोटे पत्थर बांट रहा था और बोल रहा था आप ये पत्थर ले जाओ, अपनी जेब में रखो, बस ये पत्थर अपनी जेब में रखने से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या देख रहा हूँ, सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ वो पत्थर को ले रहे थे, अपनी जेब में रख रहे थे और खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। चौंक गया, थोड़ी देर तो मैंने ये देखा, फिर मैं आगे गया, वहां वो इंसान से मिला और धीरे से मैंने उसको पूछा कि भाई साहब सच बताइए, मुझे ज्यादा पता नहीं है पर आप मुझे बताइए आपका ये जो पत्थर है वो चमत्कारी है? वो धीरे से मुस्कुराया और मुझे बताया, भाई चमत्कार ये पत्थर में नहीं है, पर जिसे मैं ये पत्थर देता हूँ, जो ये पत्थर लेता है, पत्थर लेते समय उसके चेहरे पे जो खुशी आती है उसमें है, और लोगों की खुशी से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। खुद खुश हो गया। मुझे तुरंत एक आइडिया आया, मैं सीधा माँ के पास गया और माँ को मेरा आइडिया बताया, माँ भी खुश हो गई, मुझे आशीर्वाद दे दिए और बताया बस जा लोगों में खुशियां बांट, लोगों का भला कर, लोगों को सकारात्मक बना,
और मैंने तय कर लिया लोगों को सकारात्मक बनाने के लिए मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। और माय डियर जीजा जी, आप मेरे लिए सबसे लक्की हो, इसलिए मैंने आपके नाम पे कंपनी खोली। अच्छा, डियर जीजा जी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। तो सासू माँ ने तुझे लोगों का भला करने के लिए कहा तो तुझे अंगूठियां फ्री में देनी चाहिए ना, पैसे क्यों ले रहे है तू इसके? अरे पर माय डियर जीजा जी, ये अंगूठी बनाने का खर्चा, वेब पोर्टल का खर्चा, लोगों को पहुंचाने का खर्चा, वो थोड़े खर्चे तो बढ़ जाते हैं ना, तो वो तो लेने पड़ेगा कि नहीं माय डियर जीजा जी? मैं वही सब ले रहा हूँ, उसमें मेरा एक रुपए का भी मुनाफा नहीं है जीजा जी, एकदम सेवा सेवा कुछ नहीं ले रहा हूँ, सब सेवा ही है। और जीजा जी एक बात, किसी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, क्या है मुफ्त में मिली हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है लोगों को। तो सुंदर भाई आप अभी क्यों आए? थोड़ी देर तो अंगूठी पहन लेने देना चाहिए था ना, हमको थोड़ी देर तो खुशी मिलती। पहले मैंने वैसा ही सोचा था, पहले नटू काका और बागा का ऑर्डर आया, उसके बाद पोपटलाल का ऑर्डर आया, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लोगों को खुश होने देते। लेकिन जब कल रात को माय डियर जीजा जी का बड़ा ऑर्डर आया, उस टाइम पे मैं पोर्टल पे ही बैठा था, तब मैंने सोचा कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी अंगूठी के चक्कर में है। तभी मैंने तय कर लिया कि कल सुबह ही गोकुलधाम पहुंच जाऊंगा और सबको मैं बता दूंगा। अरे तो भाई सुंदरलाल, मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे? हां जी, आपके और बागा भाई के पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और भाई मैंने जो ये 100 अंगूठियां ली है, उसके जो मैंने 49,500 भरे, उसका क्या? अरे वो पैसे तो मैंने बेना को दे दिए, बेना जब गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी तब उससे ले लेना। सरस, मतलब गए। जय जय डलल, सुबह सुबह तुमने हम सब लोगों का टाइम वेस्ट किया और हमारा बात भी नहीं माना। हम तो पहले से कह रहे थे ना अय्यर कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, चलो एक बात की खुशी है, क्या आज एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि अंधविश्वास हमें सिर्फ नाकामयाबी देता है, ये हमारा भ्रम ही है जो संयोग को चमत्कार समझ लेता है। सही बात, जीवन में कर्म और सत्य से बढ़कर कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। करेक्ट। चलो भाई यह अंगूठी पुराण समाप्त हुआ, आप घर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। शाबाश बेटा, शाबाश। चलो आराम आदमी, चला माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ हुई है तो, अगर मतलब मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है उसके लिए सॉरी। और माय डियर जीजा जी, मैंने आपसे झूठ बोला था, क्या है कि मैंने बैना को वो 49,500 रुपये नहीं दिए। नहीं, उसमें क्या हुआ कि आपने मुझे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर किया और मेरा जो की रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अभी तक मेरे पास आया नहीं, तो मैं पोर्टल में से वो पैसे कैश निकाल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने बहना को वो पैसे दिए नहीं है। लेकिन जब बहना रामेश्वर से वापिस आ जाएगी ना, तो मैं बहना को पूरे 59,500 रुपये दे दूंगा। 59,500 क्यों, 10,000 ज्यादा? टैक्सी के समझ गए माय डियर जीजा जी, सॉरी सॉरी। माय डियर जीजा जी, मैं क्या कह रहा था कि एक और 500 दे दीजिए ना, क्या है कि राउंड फिगर 60,000 हो जाए तो क्या है कि हिसाब याद रखने में आसानी होगी। राउंड फिगर करना है तो और 40,000 ले लीजिए, 1,00,000 का राउंड फिगर हो जाएगा। क्या खबर पड़े से सु बोल रहे, चल निकल आ रहे मीठा घर ना मुड़िया ला के भाई बेचारा जीजा जी, तुम लोग जीजा जी का घर डालोगे ऐसे ऐसे करके, जरा सभ्यता तो राखो, अब भला जीजा जी मरे आजा ना लुटवानी बात करो जो। बाय बाय माय डियर जीजा जी, बाय 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 बाय। जेठालाल मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, ये याचना वाली दृष्टि से मुझे मत देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे अंगूठी का ऑर्डर देने के पहले तुमने मुझसे पूछा था क्या? फिर
मित्र मेरे परम मित्र जेठालाल की स्थिति बड़ी विकट है। ये स्थिति वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति की कार का कांच किसी बच्चे की गेंद से टूट जाए, फिर वो शिकायत करने आए सोसाइटी में, इस बच्चे ने कार का कांच तोड़ दिया है। और जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो ये पता चले कि जिसकी गेंद से कार का कांच टूटा था वो तो खुद का ही बच्चा था, परिवार का ही बेटा। अब सोचिए क्या स्थिति होगी। जेठालाल की स्थिति बिल्कुल वैसी है जिस अंगूठी का ढोल बाजे के साथ पूरा गुणगान किया जेठालाल ने। पता चला कि उस पूरी अंगूठी के कर्ता धरता तो जेठालाल के साले सुंदरलाल हैं। अब सोचिए दिखा दिया ना अंगूठी ने अंगूठा। हे ऊपर वाले, मुझे कई बार लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत बिजली के तार से लिखी है। हमेशा 880 वॉट के झटके लगते ही रहते हैं जेठालाल को। लेकिन मित्रों एक काम की बात आपको बता, जिंदगी में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो सकारात्मक सोच से होता है। और कई बार चमत्कार की उम्मीद में हम लोग परिश्रम से किनारा कर लेते हैं, परिश्रम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता, विफल नहीं। इसलिए हमेशा परिश्रम कीजिए, अपने आप पर यकीन रखिए और पूरी उम्मीद के साथ परिश्रम कीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमें देखते रहिए। लेकिन अभी हमें ये भी देखना है कि नटू काका और बागा जो इस अंगूठी के भक्त हैं, जब उन्हें झटका लगेगा इस सारी सच्चाई का तब क्या। झटके तो आपके घरों में भी होंगे लेकिन हंसी बस देखते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।